न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 15 दिन में दूसरी बार RSS मुख्यालय पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, विभव की गिरफ्तारी को उचित बताया, आश्रय गृह मौत केस में दिल्ली सरकार तलब। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 15 दिन में दूसरी बार RSS मुख्यालय पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। नागपुर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार सुबह रेशिम बाग स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में पहुंचे। इस बैठक में उन्होंने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से करीब आधे घंटे तक चर्चा की। उनकी यह भेंट खास मायने इसलिए रखती भी है क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए फडणवीस के नाम पर चर्चाएं जोरों पर हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 15 दिनों में दूसरी बार फडणवीस संघ मुख्यालय गए हैं। फडणवीस ने शुक्रवार को सफाई देते हुए कहा था कि उनके नाम की चर्चा सिर्फ मीडिया में ही सुनाई दे रही है। इसी बीच शनिवार की सुबह फडणवीस संघ मुख्यालय पहुंचे। महायुति सरकार में चल रही हलचलों और आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में उनकी यह बैठक अहम मानी जा रही है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। विभव की गिरफ्तारी को उचित बताया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार की गिरफ्तारी आवश्यक थी और ऐसा करते समय पुलिस ने कानून का कड़ाई से पालन किया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। आश्रय गृह मौत केस में दिल्ली सरकार तलब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार और शहर के पुलिस प्रमुख को एक आश्रय गृह में लोगों की मौत के मामले में नोटिस जारी किया है। हाल ही में रोहिणी के एक आश्रय गृह में एक महीने के भीतर 12 लोगों की मौत हो गई थी। आयोग ने कहा कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होना अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती है। आयोग ने एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।